दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी हो गए हैं, जिसमें 1 अगस्त से कॉलेजों में एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप लोग कोई भी हो, चाहे स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो, इस प्रकार दो सभी के लिए, लेकिन स्नातकोत्तर के लिए थोड़ा टाइम स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों, 1 जुलाई के बाद कॉलेजों में एडमिशन स्टार्ट यानी कि प्रवेश मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और देखेंगे दोस्तों किस आधार पर आप लोग को एडमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर कॉलेजों में एडमिशन को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है गाइडलाइन, जिसके मुताबिक 1 अगस्त से कॉलेज में सभी छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा। जो छात्र 12वीं पास करेंगे इस वर्ष, उनको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन दिया जाएगा। और यह एडमिशन दोस्तों उनके कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा घर से दी गई है। उनके अच्छे रिजल्ट के साथ ही लोगों के पास होने की भी उम्मीद है। यूनिवर्सिटी ने कहे कि दाखिले मेरिट के आधार पर, मतलब उस आप लोग का एडमिशन इस बार परसेंट के आधार पर ही होगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार से कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, परसेंट बेस से एडमिशन लिया जाएगा, जिसमें पिछले वर्ष की तरह नियमों का पालन इस बार भी होगा। रिजल्ट एक जैसा हो तो, अगर आप लोग का परसेंट एक समान हो तो आपका 10वीं का रिजल्ट को देखा जाएगा, जिसमें 1 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य अधिकारी क्षेत्र में प्रवेश हो सकेगा, तथा 15 सितंबर तक जो है कुलपति के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश होगा, जिसमें विश्वविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन आवेदन जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म करेंगे, जिसके अनुसार से परसेंट के हिसाब से आप लोग का मेरिट लिस्ट बनेगा, उसी के हिसाब से आपका कॉलेज में प्रवेश दिया जाएगा।